हेलो एवरीवन आपने कभी भूतिया घर के बारे में सुना है जहाँ पे भूत होते हैं जहाँ पे आपको बोलते हैं नहीं है। क्या बोलते हैं, उनको? हम बोलते हैं और ऐसी ना, हर सिटी में ऐसा तो आपने सुना होगा आई एम श्योर तो आज ना हम हॉन्टेड हाउसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं सो वेलकम ग्रेन एंड आम स्वाति एजुकेटर हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सफोर्ड क्लास एट की जो हमारी बुक है इंग्लिश की लिटरेचर कोर्स बुक उसका लास्ट यूनिट लास्ट सेक्शन एंड द सेक्शन इज वॉट अ पोम हॉन्टेड हाउसेस रिटन बाय हेनरी वर्ड्सवर्थ वर्ड्स है ये वर्ड्स लॉन्ग फेलो नाउ दिस पर्टिकुलर पोम इट टॉक्स अबाउट हॉन्टेड हाउसेस लेकिन ये जो है ये हमको जो घोष्ठ होते हैं जो फैंटम्स होते हैं इनका एक अलग ही पहलू बताने वाली है ये हमें ये बताने वाली कि सारे घोस्ट जैसे हम टीवी में देखते हैं जैसे कि हम लोग ने पूरी जो मूवीज होती है ना हॉलीवुड मूवीज एंड बॉलीवुड मूवीज में जो भूत होता है जो एकदम ग्रेव से आता है और थ्री एम को जो है वो अपने जो हॉलीवुड के मूवीज के जो भूत होते हैं वो थ्री एम को एकदम उनकी जो पास उत्तमपुरी एकदम पीक पे आ जाती है और जो हमारे इंडियन भूत होते हैं वो बारह बजे के बाद जो है वो लोग एकदम जो है रेडी हो जाते हैं अटैक करने के लिए लेकिन क्या ऐसा एक्चुअल में होता है सारे भूत ऐसे होते हैं क्या भूत होते हैं या नहीं होते हैं होती हैं या नहीं होती हैं हर किसी को ना कभी ना कभी कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल चीज़ें फील हुई हैं कभी आपको लगता है कि अचानक से कोई आपके बगल से गुजरा कभी आपको लगता है कि आपको किसी ने बचा लिया कभी आपको लगा किसी ने धक्का दिया बट दी अदर थिंग इज वट यू फील इन योर लाइफ एटलीस्ट वंस तो क्या वाकई एक और वर्ल्ड है स्पिरिट्स का ये सब हम देखने वाले हैं हमारी इस पोम में पहले हम अपनी पोइट के बारे में कुछ पढ़ेंगे मतलब समझेंगे कि भाई उनकी लाइफ कैसी रही एंड देन वी विल स्टार्ट विद द पोम सो यहां पे है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्ग फेलो

जो मिथ्स होते हैं या लेजेंड्स होते हैं उनके बारे में इन्होंने लिखा था ही इज remembered एट द फर्स्ट अमेरिकन टू ट्रांसलेट Dante's डिवाइन कॉमेडी मच ऑफ दिस मच ऑफ लॉन्ग फेलोज वर्क इज लिर पोएट्री अब लिरिक पोइट्री क्या होती है एक जैसे आपको वर्ड बाय वर्ड जो राइमिंग पैटर्न होता है उसका सो so उन उस टाइप की पोइट्री लिखा करते थे बट ही डिड एक्सपेरिमेंट विद मेरी फॉर्म्स इंक्लूडिंगीटर एंड फ्री वर्स लेकिन उन्होंने अब ये पोएट्री के फॉर्म्स हैंग्जामीटर फ्री वर्स तो अगर आप में से किसी को भी लिटरेचर में इंटरेस्ट है आगे जाके आप लिटरेचर लेना चाहते हो तो आप ये सब पढ़ोगे नाउ लेट्स बिगिन विथ हॉन्टेड हाउसेस ऑल हाउसेज वेर एंड मेन हैव लिव एंड डाइड आर हॉन्टेड हाउसेस Through the open doors, the harmless phantoms on their द glide with feet that make no sound upon the floors. All houses wherein men have lived and died are haunted houses. तो अभी जितनी भी हमने स्टोरीज पढ़ी है मूवीज देखी है उसमें हमने क्या समझा है कि हॉन्टेड houses वो हाउसेस होते हैं जहाँ पे जैसे कोई इंसान जो है जिसकी डेथ हो गई है हो सकता है उसकी कोई विश पूरी नहीं हुई हो या उसकी लाइक टाइमली डेथ नहीं हुई हो किसी ने उसका मर्डर कर दिया हो या कि उसके साथ कुछ गलत हुआ हो तो हमने जितनी मूवीज देखी उसमें भूत ऐसे ही होते ना जिनके साथ कुछ हुआ होता है एंड देन वो रिवेंज लेने के लिए आते हैं वेंजेंस के लिए आते हैं लेकिन यहाँ वो क्या बोल रहे हैं ऑल हाउसेज वेद एन मैन हैव लिव एंड डाइड जितने भी घर हैं जहाँ इंसान रहा है और मे बी टाइमली बूढ़े होने के बाद जब उसकी डेथ हो चुकी है वो सबके सब हॉन्टेड हाउसेस हैं

अब उनके जो है उनको चलना नहीं पड़ता हम जब चलते हैं तो फ्लोर पे आवाज आती है लेकिन वो अपने काम करते हैं और वो इस तरीके से चलते हैं कि कोई आवाज नहीं आती है वी मीट देम एट द डोर वे अब हम उनसे कहाँ कहाँ मिलते हैं हम उनसे डोर वे पे मिलते हैं पे मिलते हैं अलॉन्ग गो the और जो पैसे होते हैं जो कि मतलब जो गलिया होती हैं वहां से वो आते जाते रहते हैं इम्पैल्पेबल इम्प्रेशन ऑन द एय इम्पेल्पेबल मतलब जिसको आप फील नहीं कर सकते जिसे आप महसूस नहीं कर सकते देख नहीं सकते वैसे इंप्रेशन होते हैं एयर में अ सेंस ऑफ समथिंग मूविंग टू एंड फ्रो लेकिन आपको ऐसा लगता है शायद कोई गला शायद कोई गुस्सरा तो यहाँ पे जो पोइट है वो क्या बोल रहा है कि जो फैंटम्स हैं, हैं, जो है, जो स्पिरिट्स हैं, वो हर जगह हैं। वो उसी तरीके से नॉर्मली अपने काम कर रही जैसे शायद वो अपनी लाइफ टाइम में रियल लाइफ में करा करती थी देर आर मोर गेस्ट एट टेबल हाउस इनवाइटेड सो यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि आपको ऐसा लगता होगा अगर जैसे आप अपने डाइनिंग टेबल पे बैठे हो तो हो सकता है आप और आपकी फैमिली बैठी हो मान लो दो लोग बैठे हैं लेकिन there are more at the table than the host तो जितने लोग थे उनसे ज्यादा लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं द इल्यूमिनेटेड हॉल इज स्ट्रॉन्ग विवाइट इनओं घोस एज साइलेंट एज द पिक्चर्स ऑन द वॉल ये जो इल्यूमिनेटेड मतलब जो वेल well लिट जो हाउस है उसका जो रूम है इस थ्रॉन्ग्ड थ्रोंग्ड का मतलब है फिल्ड विथ भरा हुआ है वो ऐसे क्वाइट इनऑफेंसिव मतलब जो किसी भी तरीके से आपको हार्म नहीं कर रहे हैं ऐसे घोस से और ये घोस उतने ही साइलेंट हैं जितने की वॉल पे जो पिक्चर्स होती हैं वो साइलेंट होती हैं सो यहाँ पे लाइक एज Silent as, तो यहां उन्होंने एक simile use करते हुए बताया है कि जो हैं हैं ये silent होते हैं। ये इतने होते आपको जैसे में में दिखाते हो या stories में पढ़ते हो या पढ़ते पिक्चर्स अब हम इसके ये जो फर्स्ट थ्री हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं लॉन्ग फेलो बिगिन विद्रेट फॉरवर्ड बट सरप्राइजिंग स्टेटमेंट ये अपना जो इन्होंने पोम को स्टार्ट किया है ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट बता रहे हैं दैट ऑल हाउसेस वेयर इन मेन हैव लिव्ड एंड डाइड आर हॉन्टेड हाउसेस मतलब जितने भी घर जहां इंसान जिया है रहा है और मर गया है वो सब के सब क्या हैं हॉन्टेड हाउसेस हैं द स्पीकर डिसमिसिस द टिपिकल घोस्टली रिक्वायरमेंट ऑफ सफरिंग अब क्या है हमने पढ़ा है कि अगर आपको घोस्ट बनना है जो हमने मूवीज में या स्टोरीज में देखा है यू नीड टू सफर आपको सफरिंग होनी चाहिए कोई आपका अनफिनिश्ड बिजनेस होना चाहिए या कोई आपका हेटफुल इंटेंट होना चाहिए आप किसी से रिवेंज वेंजेंस लेना चाहते हो अब लेकिन जो स्पीकर है वो ये सारे टिपिकल घोस्टली जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं घोस्ट बनने के लिए वो उनको डिसमिस कर रहा है वो बोलता है हैं ऐसा जरूरी नहीं है ही सेज दैट एवरी सोल दैट डिपार्टेड दिस अर्थ वो ये कह रहे हैं कि हर सोल जो कि इस रियल लाइफ से डिपार्ट हो चुकी है रिमेन्स इन इन हिज और फॉर्मर रेसिडेंस वो क्या बोल रहे हैं कि जो भी किसी भी इंसान की जो डेथ हुई है वो अपने ही घर में रहता है उसकी जो सोल है वो अपने ही घर में रहती है एंड लॉन्ग फेलो घोस आर वेरी डिफरेंट फ्राम द घोस्टीज़ ऑफ पॉपुलर इमेजिनेशन जो हमारी पॉपुलर इमेजिनेशन है घो स्किन ऐसी हो रखी है और वो एकदम आवाज़ें निकालते हुए आते हैं इसको मार देते हैं उसको मार देते हैं हॉन्ट करते हैं तो ये पॉपुलर इमेजिश इमेजिनेशन की जो घोष्टीज हैं उससे काफ़ी डिफरेंट हैं दे आर नीदर अनहैपी नॉर फ्योरसम ना वो बहुत दुखी हैं ना वो डरावने हैं दीज आर डोमेस्टिकेटेड घोस्ट ये जो है ये बड़े ही घरेलू भूत हैं अनोटिसबल बिजी विदिंग वो जो है वो बड़े ही बिजी है अनोटिसिबल है आप उन्हें नोटिस नहीं कर सकते अपने अपने काम में बिजी रहते हैं वो और वो हाउस में पर्पसफुली घूमते हैं मतलब उन्हें इधर कोई काम होगा का या उधर कोई काम होगा द स्पीकर डिस्क्राइब्स दैम एज हार्मलेस और जो हमारे पोएट है वो इन घोष को हार्मलेस कह रहे हैं कि ये हमें किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाते इनओफेंसिव मतलब जो किसी भी तरीके से हमको ऑफेंड नहीं करते एंड वेलकम टू जॉइन हिम एट टेबल और ये सारे वो लोग हैं जो उसको टेबल पे ज्वाइन करने के लिए वेलकम है दे आर सिटिंग इन द वेल लिट हॉल एक्सट्रीमली साइलेंट एज साइलेंट एज द पिक्चर्स ऑन द वॉल और ये सारे लोग जो हैं एक डाइनिंग टेबल पे वेल लिट हॉल के डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं जहाँ पे दे आर एज साइलेंट एज द पिक्चर्स ऑन द वॉल आगे का स्टैंडा देखते हैं हम द स्ट्रेंजर एट माई फायर साइड केन नॉट सी the forms i see not hear the sound i hear he but perceives what is while unto me all that has been is visible and clear ab yahan pe ek twist hai the stranger at my fire side cannot see the forms i see जो स्ट्रेंजर है जो फायर साइड पे मतलब फायर प्लेस पे वहां पे बैठा हुआ है वो उन लोगों को नहीं देख पा रहा जो मैं देख पा रहा हूं

ऑल दैट हैज बीन इज विजिबल एंड क्लियर मतलब ऑल दैट हैज ऑल दैट हैजबीन का मतलब है जितने भी लोग वहाँ हैं जो भी कुछ वहाँ पे है वो मुझे एकदम क्लियर और विजिबल दिख रहा है अब इसके दो ही मतलब हो सकते हैं या तो वो सुपरनेचुरल चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हो या तो वो खुद एक घोस्ट हैं इसीलिए वो क्या कह रहे हैं कि वो स्ट्रेंजर को नहीं दिख रहा लेकिन मुझे सब कुछ दिख रहा है मुझे सब सुनाई दे रहा है जितने कुछ भी यहाँ पे है जितने लोग यहाँ है मुझे सब दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस स्टैंडा में वी लर्न दैट ओनली द स्पीकर कैन सी एंड हियर दीज फैंटम्स वाइल्ड अदर्स कैन नॉट सिर्फ स्पीकर देख सकता है बाकी लोग नहीं देख सकते द स्पीकर हिमसेल्फ मे बी अ घोस्ट स्पीकर खुद हो सकता है एक घोस्ट हो हु कैन सी एवरीवन अराउंड हिम जो अपने आसपास सबको देख सकता है फॉर हिम एवरीथिंग इज विजिबल एंड क्लियर उसके लिए हर कुछ विजिबल है और क्लियर है और मे बी दे एग्जिस्ट ओनली इन हिज मेमोरी और हो सकता है या तो वो सिर्फ उसका इमेजिनेशन है सिर्फ उसके मेमोरी में एग्जिस्ट होता है नेक्स्ट स्टंजा We have no title deeds to house or lands. Owners and occupants of earlier dates, from graves forgotten, stretch their dusty hands and hold in moat men still their old estates. We have no title deeds to house or lands. अब यहाँ पे वो एक तरीके से कंफर्म कर देते हैं कि जो हमारे स्पीकर हो सकता है वो एक घोस्टी हैं, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं हमारे पास कोई टाइटल डीड्स नहीं हैं। टू हाउस और लैंड मतलब हम किसी भी हाउस के या किसी भी लैंड के ओनर्स नहीं हैं अगर मेरी डेथ मतलब जैसे अगर किसी की डेथ हो गई और उसकी स्पिरिट उस हाउस में है तो भी वो उसकी ओनरशिप उसे नहीं मिलती ओनर्स एंड ऑक्यूपेंट्स ऑफ अर्लियर डेट्स मतलब ये कौन बोल रहे हैं वी हैव नो टाइटल डीड्स टू हाउस और लैंड ओनर्स एंड ऑक्यूपेंट्स ऑफ अर्लियर डेट्स मतलब जो यहाँ पे जो जिनका घर था जिनका घर पहले हुआ करता था अर्लियर डेट्स में मतलब पहले जिनका ये घर हुआ करता था जो इसके ऑक्यूपेंट्स थे आज उनका ओनरशिप ख़त्म हो चुका है क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है फ्रॉम ग्रेव्स फो स्ट्रेच देअर डस्टी हैंड्स एंड होल्ड इन मोचमेंट स्टिल देअर ओल्ड एस्टेट्स क्योंकि अब जो है फ्रॉम फ्रॉम ग्रेव्स फो स्ट्रेच देअर डस्टी हैंड्स ये एक मेटोफॉर है यहाँ वो बेसिकली क्या कहना चाहते हैं कि ग्रेव से जो ये लोग हैं जिनकी बहुत पहले जो आपके एनसिस्टर्स होंगे जिनकी डेथ हो चुकी है आपको उनके बारे में अब याद भी नहीं होगा बट दे आर स्टिल देर एंड होल्ड इन मोर्टमेन मोर्टमेन का क्या मतलब होता है इट इज़ द परपेचुअल इन एलियनेबल ओनरशिप जिससे आप डिनाई नहीं कर सकते वो अभी भी उन्हीं घरों में अपनी एक पहचान जो है वो वहीं रखे हुए हैं भले आप उन्हें ओनरशिप नहीं दो वो अपनी एक ऐसी ओनरशिप के साथ है जिन्हें आप मिटा नहीं सकते इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं द लाइन वी हैव नो टाइटल डीड्स टू हाउस और लैंड ऑल्सो सजेस्ट स्पीकर इज घोस्ट ये जो वो बोल रहे हैं कि हमारे पास ना कोई ओनरशिप है जिन लैंड से हम एक टाइम पे बिलोंग करते थे ये भी एक तरीके से सजेस्ट करता है कि शायद हमारे स्पीकर एक घोस्ट हैं

फिर भी आज उनका उनके घर से उनके लैंड से उनके होम से एक बहुत गहरा कनेक्शन है इवन दो दे आर बरीड अंडर द ग्राउंड जबकि वो बरी हो बेरी हो चुके हैं उनका एग्जिस्टेंस नहीं है उनकी कोई ओनरशिप नहीं है उसके बाद भी उनका एक वेरी डीप कनेक्शन है उनके घर से उनके लैंड से द स्पिरिट वर्ल्ड अराउंड दिस वर्ल्ड ऑफ सेंस फ्लोट्स लाइक एन एटमोसफेयर एंड एवरीवेयर

क्लोथ्स लाइक एन एटमोसफेयर एंड एवरी वेयर ये जो स्प्रिट का वर्ल्ड है ये एक, एक तरीके से हवा की तरह बहते हैं मतलब ये हर जगह है देआर एवरीवेयर वॉफ्स थ्रू दिस अर्थली मिस्ड एंड वेपर्स डेंस व मतलब होता है ब्रीज कहना बहना वॉफ्स का मतलब क्या होगा पास और कॉस टू पास जेंटली थ्रू द एयर मतलब ये हवा में बहुत जेंटली बह रहे हैं जिस तरीके से हवा में मिस्ड होती है वेपर्स होते हैं उसी तरीके से ये भी हैं वाइटल ब्रेथ ऑफ मोर एक वाइटल एक मतलब कोई चीज ऐसी जिसको आप बिलीव ही नहीं कर पाते का मतलब क्या होता है एक्सट्रीमली डेलीकेट कोई इतना डेलीकेट हो ऐसा लगता है कि इस दुनिया का ही नहीं है अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं द स्पिरिट वर्ल्ड अराउंड द रियल वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली साइलेंट एंड इज एवरीवेयर अराउंड अस वो क्या बोल रहे हैं कि जो स्पिरिट का जो वर्ल्ड है ये हमारे रियल वर्ल्ड से में उसने हमें घेरा हुआ है वो हर जगह है द स्पिरिट्स जेंटली पास थ्रू द मिस्ट एंड वेपर्स इन द एयर स्पिरिट्स जो हैं वो मिस्ट जो है हवा में जो मिस्ट होती है हवा में जो वेपर होता है उसे जेंटली पास करते हैं लाइक अ वाइटल ब्रेथ ऑफ एयर बियॉन्ड दिस वर्ल्ड ऐसा लगता है जैसे कि वो एक सांस लेने जैसी हैं जैसे कि वो जिसको जो इस वर्ल्ड से बहुत ही ज़्यादा परे हैं मतलब वो ये बेसिकली कहना चाहते हैं कि स्पिरिट्स का जो एग्जिस्टेंस है वो है our little lives are kept in equipoise by opposite attractions and desires the struggle of the instinct that enjoys and the more noble instinct that aspires अब वो क्या बोल रहे हैं हमारी जो छोटी-छोटी लाइव्स हैं ये इक्विपोइस में रखी हुई हैं इक्विपोइस का मतलब क्या होता है बैलेंस ऑफ फोर्सेस और इंटरेस्ट मतलब हमारी जो लाइफ है उसमें ना एक बैलेंस होता है और ये जो बैलेंस होता है ये कैसा होता है हमारे अट्रैक्शन डिजायर्स का एक बैलेंस होता है हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा आर लाइफ द फोर्स ऑफ बैलेंस बाय ऑपोजिट अट्रैक्शन एंड डिजायर्स मतलब हमें जो चीज़ें अच्छी लगती है जो हमें डिजायर करती हैं जो हम चाहते हैं पाना जो हम खुद हैं एक बैलेंस चलता है इस चीज का इट्स ह्यूमन नेचर टू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स न्यूम डिजायर और ये हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम अपनी इच्छाओं की तरफ अट्रैक्ट होते हैं पीपल हु हैव एन इंस्टिंक्ट टू स्ट्रगल अब जैसे यहाँ लिखा है द स्ट्रगल ऑफ़ द इंस्टिंक्ट दैट एंजॉयज मतलब जिन लोगों के अंदर ये इंस्टिंक्ट होता है कि जो भी लाइफ जैसे भी आ रही है उस स्ट्रगल को वो इंजॉय करते हैं और जो लोग जो है नोबल इंस्टिंक्ट्स जो होते हैं मतलब जिनकी अच्छी सोच होते हैं जिनके अच्छे डीड्स होते हैं वो एस्पायर करते हैं मतलब वो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ क्या लिखा है हमने पीपल हु हैव एन इंस्टिंक्ट टू स्ट्रगल जो मान के चलते हैं कि हाँ उनके अंदर विलिंगनेस है कि लाइफ जिस तरीके से आ रही है उसको उसी तरीके से जियो दे इन्जॉय द स्ट्रगल और जो लोग के अंदर नोबल इंस्टिंक्ट्स हैं मतलब जो अच्छे काम करना चाहते हैं राइज High in their lives. वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं मतलब क्या होता है ये जो डिलेमा है ये मेंटल अनईजीनेस है ये एनजाइटी है नर्वसनेस है दिस परपेल जार ऑफ अर्थली वॉन्ट्स एंड जो हमारी सारी इच्छाएं हैं हमारी सारी डिज़ायर्स हैं हमारी सारी नीड्स हैं वॉन्ट्स हैं उसको उन्होंने क्या बोला एक तरीके से उन्होंने एक परपेचुअल मतलब परपेचुअल का मतलब है जो कभी खत्म नहीं होता उसको उन्होंने कभी ख़त्म नहीं होने वाले जाल से कंपेयर किया है उन्होंने बोला कि ये जो हमारे जो टेंशनस हैं हमारी इच्छाएं हैं हमारी, है, हमारी डिजायर्स हैं ये एक खत्म कभी ख़त्म नहीं होने वाले जाल की तरह है come from the influence come from the influence of an unseen star और ये सब ऐसा लगता है जैसे कि किसी अनसीन अनसीन स्टार मतलब कोई एक सेलिशियल बॉडी है जिसका इन्फ्लुएंस है हम पे जिसकी वजह से हमारे अंदर ये पूरी डिज़ायर्स आती हैं और ये एक ऐसा स्टार है जिसके बारे में हमें अभी तक कुछ नहीं पता है ये हमारे प्लानेट में अनडिसकवर्ड है लेकिन ऐसा लगता है कि हम पे किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से हमारे अंदर ये सारी डिज़ायर्स जो हैं वो जन्म लेती हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं द परपेचुअल जार इज जो है ये क्या है? है। एक तरीके से आप सिंबलाइज कर रहे हो दे कम फ्रॉम द इंफ्लुस ऑफ एन अनसीन स्टार विच इज नॉट येट डिस्कवर्ड एंड एज द मून फ्रॉम डार्क गेट ऑफ क्लाउड थ्रोज ओवर सी अ फ्लोटिंग ब्रिज ऑफ लाइट अक्रॉस

अब यहाँ वो क्या बोल रहा है एंड एज द मून फ्रॉम सम डार्क गेट ऑफ क्लाउड अब ये जो है ये क्या है यहाँ पे जो बोला हुआ है कि एज द मून फ्रॉम सम डार्क गेट ऑफ क्लाउड थ्रोज ओवर द सी अ फ्लोटिंग ब्रिज ऑफ लाइट द एथरियल इमेज ऑफ मून लाइट ये जो है कि मून लाइट जब पानी पे पड़ती है ठीक है ओशन वेव्स के ऊपर पड़ती है तो उसको क्या किया है उसको जब मूनलाइट पानी के ऊपर पड़ती है ओशन वेव्स के ऊपर पड़ती है तो कैसा होता है ऐसा लगता है बस वो लहरा रही है उसको एक ब्रिज की तरह उन्होंने कंपेयर किया उन्होंने बोला ये एक ब्रिज ऑफ लाइट से कंपेयर किया गया है जो कि दैट डिस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स जो कि जो ये मून लाइट आ रही है उसको बोला है कि जो वर्ल्ड है ना स्पिरिट्स का जो सारी जहाँ पे आत्माओं का जो वर्ल्ड है वो वहाँ से आ रही है एक तरीके का ब्रिज है our thoughts मेमरीज एंड एस्परेशन्स कैन ट्रैवल अक्रॉस द ट्रेबलिंग प्लान्स अब वो क्या बोल रहे हैं हमारे जितने भी थाट्स हैं हमारी मेमरीज हैं हमारे एस्परेशंस हैं ये सब इन ट्रेमलिंग प्लान्स जो यहाँ पर लिखा है अक्रॉस हु प्लान और फैंसीज क्राउड और ये जो ब्रिज है इस ब्रिज के ऊपर हमारी सारी इच्छाएँ हमारी सारी एस्परेशंस जो हैं वो क्राउड करती हैं और आगे बढ़ती हैं इन टू दर्म ऑफ मिस्ट्री एंड नाइट और ये कहाँ चली जाती हैं एक मिस्ट्री 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 के किंगडम में चले जाती है नाइट के किंगडम में चले जाती हैं ओके सो इसको हम देख लेते हैं क्या बोला है उसने यहाँ पे दैट ये जो हमारे थॉट्स हैं मेमोरीज हैं एस्पिरीशन हैं दे कैन ट्रेवल अक्रॉस द ट्रेवलिंग प्लैंक्स ऑफ दिस ब्रिज इन टू द वर्ल्ड ऑफ मिस्ट्री टू कनेक्ट विद द स्पिरिट्स ऑफ लव्ड वंस हु हैव गॉन बिफोर और ये ब्रिज पे जाके जो है ये एक तरीके से ब्रिज है जो आउटर वर्ल्ड को जो स्प्रिट्स का जो वर्ल्ड है उसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करती है जहाँ पे जाके आप अपने जो लोगों को आपने खोया है लव्ड वंस हैं उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो एंड टू राइज अबव द डार्क केव ऑफ द मटेरियलिस्टिक एबिस वर्ल्ड इन विच वी लिव और ये जो डार्क एबिस है केव एबिस मतलब एक ऐसी जगह एक कोना एक एक गहरी सी जगह एंड टू राइज अबाउ द डार्क एबिस ऑफ द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड इन विच वी लिव और इस ब्रिज पे चल के हम ये जो मटीरियलिस्टिक दुनिया है जिसमें हम एक तरीके से फंसे हुए हैं हम सोचते हैं ये हमारा वो हमारा इससे हम ऊपर निकल सकते हैं इन दिस मेमोरेबल इमेज लॉन्ग फेलो स्किलफुली कैप्चर्स द वे दैट मूनलाइट स्वेज एंड बेंड्स की ये जो ब्रिज उसने बनाया ऐसा है ऐसा लगता है मून लाइट जो है स्वे कर रही है मूव कर रही है इधर से इधर बेंड हो रही है क्योंकि वह लहरों पर है ऑन द वॉटर टू क्रिएट द अनस्टडी फ्लोर अब ये क्यों किया उन्होंने ये जो उन्होंने इमेज बनाई है क्यों बनाई है ये पानी है इस पानी के ऊपर ये जो लाइट पड़ रही है क्या ये स्टडी है क्या ये प्लेन है नहीं ये मूव कर रहा है उन्होंने अनस्टडी फ्लोर क्यों बताया है इस ब्रिज को क्यों क्योंकि जो ये अनस्टडी फ्लोर है इसको ह्यूम क्रॉस नहीं कर सकते इसको सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट्स क्रॉस कर सकते हैं

इसमें मेमोरी और सुपर जो चीजें हम इमेजिन करते हैं जो हमारे हमारी मेमोरी में होता है जो सुपर नेचुरल उन्होंने इन दोनों की लाइन के बीच में ना जो एक मतलब इनको जो सेपरेट करती है उस लाइन को ऑलमोस्ट मिटा दिया है वो बोल रहे हैं सब कुछ रियल है अब हम इस पोम के बारे में समझ लेते हैं लाइक मोस्ट ऑफ लॉन्ग फेलोज वर्क दिस पोम इज कम्फर्टिंग बोथ इन स्ट्रक्चर एंड इन कॉन्टेंट जैसे लॉन्ग फेलो की जो बाकी की पोम्स हैं उनकी जो बाकी की राइटिंग है उसी तरीके से ये जो पोम है ये बहुत कम्फर्टिंग है उसका स्ट्रक्चर बहुत कम्फर्टिंग है उसका कॉन्टेंट भी बहुत कम्फर्टिंग है

Whom we are glad to have still with us in whatever form. अब ये जो है ये क्या है कि हम इनके साथ जिस तरीके से रह रहे हैं चाहे उसे memory बोलो चाहे आप emotion बोलो लेकिन किसी भी तरीके से जब वो हमारे साथ हैं तो हमें अच्छा लगता है

उसने अपने खुद के जो फीलिंग्स हैं वो यहाँ डाली हैं बिकॉज पोइट की जो फर्स्ट वाइफ थी जब उनकी शादी हो चुकी थी तो उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी वो सिर्फ 24 इयर्स में जब पोइट 24 इयर्स के थे तब उनकी डेथ हो गई थी बट इट फोर शेडोज एंड इवन मोर डिवास्टेटिंग लॉस लेकिन उसके बाद इनका एक और जो लॉस था वो क्या था जब उनकी जो सेकेंड वाइफ जिनका नाम फ्रांसिस था जिससे उनके छह बच्चे भी हुए थे वो 18 इयर्स की हैप्पी मैरिज के बाद उनकी भी जो है डेथ हो गई थी डाइड ओनली अ फ्यू इयर्स आफ्टर इट्स पब्लिकेशन व्हेन हर ड्रेस कट फायर सीलिंग अ लेटर विथ वैक्स तो वो एक लेटर को वैक्स से सील कर रहे थे उसकी उस टाइम पर उनकी ड्रेस में आग लग गई और इट कॉट फायर एंड शी डाइड तो ये जो लॉस था इससे क्या हुआ उन्होंने ये बताया अपने आप को अपने आप को ये समझाया कि आपके जिन लोगों से आप प्यार करते हो लाइफ में जिन्हें आप लूज करते हो वो आपके साथ होते हैं एज स्पिरिट्स जो कि हार्मफुल नहीं होते जो हार्मलेस होते हैं अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर द पोएम इज मेड अप ऑफ फोर लाइन ए बी ए बी स्टैंड मतलब यहाँ पे क्या है हर पोम में हर स्टैंडा में बेसिकली सब में फोर लाइंस हैं और इसका राइमिंग पैटर्न क्या है ए बी ए बी है जहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है वो थर्ड लाइन से राइम होती है और जो सेकंड लाइन है वो फोर्थ लाइन से राइम होती है इससे क्या होता है इसमें जो है बहुत हॉन्टिंग टोन आता है एंड विथ सूट्स टॉपिक क्वाइट वेल अब ये जो पूरा जो टॉपिक है इसमें क्या है बहुत हॉन्टिंग सा टोन है डरावना सा टोन है और इसीलिए उसका जो टाइटल ता, ता, है वो भी हॉन्टेड हाउसेस है तो उसको उसके टॉपिक से जो है मैच करना इसलिए उनका हॉंटिंग टोन रखा हुआ है उन्होंने अब इसका टोन क्या है जैसा कि हमने देखा इसका टोन क्रीपी है जितने भी वर्ड्स यूज किए गए वो बहुत स्लो और बहुत ज्यादा एम्फसिस के साथ यूज किए गए हैं ही डज दिस और उन्होंने ये क्यों किया है ताकि आपका इमेजिनेशन एनहांस हो सके और आप इनके वर्ड्स में इफेक्ट डाल सको थीम क्या है थीम है कि जो घोस्ट हैं वो रियल होते हैं एंड दे डू एग्जिस्ट राइट अब हम देख लेते हैं इसकी लिटरेरी डिवाइसेस अब जो इसमें लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई हैं उसमें पहला है मेटाफोर मेटाफोर जैसे है फ्रॉम ग्रेव्स फोर गॉटन स्ट्रेच देयर डस्टी हैंड्स तो उन्होंने यहाँ पे क्या बताया है कि किस तरीके से जो आपके जो जो लोग उन घरों में रहा करते थे फ्रॉम ग्रेव्स फॉर गोटन जिन्हें जैसे आपके एनसेस्टर्स थे जिन्हें आप भूल चुके हो लेकिन दे स्टिल स्ट्रेच देयर डस्टी हैंड्स मतलब दे स्टिल मार्क देयर ओनरशिप एक ऐसी ओनरशिप जो इन आ, मतलब इन एलिनेबल है मतलब जिन्हें आप मना नहीं कर सकते वो अभी भी उसको मार्क करते हैं तो ये क्या हो गया एक मेटाफोर हो गया सिमिली एज साइलेंट एज द पिक्चर ऑन द वॉल तो जहां पे आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो तो आप ये जो घोस्ट है इनको किससे कंपेयर कर रहे हो पिक्चर्स ऑन द वॉल से यूजिंग द वर्ड एज तो ये हो गया सिमिली अब है इमेज इमेजरी इमेजरी मतलब साउंड इमेजरी विजुअल इमेजरी ऑडिटरी इमेजरी मतलब जो जो भी तरीके से आप किसी चीज़ को इमेजिन कर सकते हो उसको एक तरीके का एक साउंड इफेक्ट जिसको आप हेयर कर सकते हो विजुअल इमेजरी जिसको आप इमेजिन कर सकते हो दिख सकता है आपको उसे इमेजरी कहते हैं तो हमारे पास यहाँ कौन से एग्जाम्पल्स हैं फ्रॉम ग्रेव्स फोर गोटन स्ट्रेच देअर डस्टी हैंड्स तो आप इमेजिन कर सकते हो एक ग्रेव है उसमें से एक डस्टी हैंड निकल जाए कर सकते हो तो ये हो गया विजुअल इमेजरी एंड एज द मून फ्रॉम सम डार्क गेट ऑफ क्लाउड थ्रोज ओवर द सी ऑफ फ्लोटिंग ब्रिज ऑफ लाइट सो कैन यू इमेजिन की एक बहुत सारे हैं उसके बीच में मून है जो एक अपनी जो लाइट है उसमें वहां पे एक तरीके का एक ब्रिज बना हुआ है एक लाइट का ब्रिज बना हुआ है तो ये भी विजुअल इमेजरी का पार्ट है करॉस हुज ट्रेम्बलिंग प्लैंक आर फेंसीज क्राउड और जिसके जो प्लैंक हैं जो ट्रेम्बलिंग मतलब उसकी जो लाइट का जो ब्रिज है वो ट्रेम्बलिंग प्लैंक जो है वहाँ पे हमारी पूरी फैंसीज जो हैं हमारी डिज़ायर्स हमारी एक्सपेक्टेशन सब आके वहाँ पे जमा हो गई हैं वेंडर आर थाट्स अबव द डार्क एबस मतलब और वहाँ हमारे थॉट्स जो है ना मूव कर रहे हैं एकदम जो डॉग हम बहुत वें हमारे जो थॉट्स हैं वो वहाँ पे घूम रहे हैं तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई इमेजरी का पार्ट हो गई अब लास्ट है सिंबोलिज्म जो हमने देखा था दिस परपेचुअल जार ऑफ अर्थली वॉन्ट्स एंड एक्सपीरेशन हाई तो ये जो परपेचुअल जार है ये कोई रियल जार नहीं है इट द देशन एंड ऑफ पीपल इट्स नॉट अ रियल जार ये बेसिकली ये बताना चाहता है कि जो ह्यूमन के जो वॉन्ट्स होती हैं डिजायर्स होती हैं ये कभी भी खत्म नहीं होती लाइक अ परपेचुअल जार अब हम आ जाते हैं इसकी समरी पे तो इन द बिगनिंग ऑफ द पोम इट सेज़ उसेज आर हॉन्टेड तो जो पोर्ट क्या बोलता है कि सारे के सारे घर क्योंकि हर घर में किसी ना किसी की तो डेथ हुई है पहले कभी तो उसको क्या उसने बोला कि सारे घर हॉन्टेड होते हैं दस्ट गो अबाउट देर बिजनेस एंड डोंट बॉर्डर ये जो गोस्ट हैं ये अपना काम करते हैं अपने आप से काम रखते हैं और वो किसी को बॉडर नहीं करते वी ओनली समटाइम्स डेट समन और कभी कभी बस हमें ऐसी सुपर नैचुरल फीलिंग आती है कि कोई है या कोई हमारे अलावा कुछ और भी है वहां पर इन द मिडल द ओनर डजेंट नो हु ओन द हाउस बिफोर और किसी को पता नहीं होता कि जैसे आपने कोई घर खरीदा आपको नहीं पता कि आपसे पहले हो सकता है पता नहीं वो जमीन किसकी थी वो घर किसका था उस घर को तोड़ के नया घर कंस्ट्रक्ट हो गया लेकिन वो एरिया किसका था यू डोंट नो The the original owner of the house is still there as well, and the place where he lives overlaps with us. The spirit world is there on top of us. अब वो क्या बोल रहे हैं जो उस घर का ओरिजिनल ओनर था वो आज भी वहाँ हैं हम भले वहाँ रहते हैं लेकिन वो भी वहीं पे हैं जो हमारा वर्ल्ड है उस पे ओवरलैप करता है जो स्पिरिट्स का वर्ल्ड है घोष the the जो है ना एक डिफरेंट वर्ल्ड से आते हैं वो मूनलाइट वाला ब्रिज है ना वहां से आते हैं इफ यू विल एंड दे कैन कम एंड गो एज दे प्लीज और उस मूनलाइट वाले ब्रिज में सिर्फ ह्यूम नहीं जा सकते स्पेस जा सकते हैं तो वो अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से वापस चले जाते हैं बट द स्पिरिट वर्ल्ड इज अ मिस्ट्री टू अस और वो एक ऐसा रिल्म है एक ऐसी किंगडम है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते सो दिस वॉज द समरी ऑफ दिस पोम एंड वी आर डन विद वॉट एक्सप्लेनेशन देख लिया समरी देख लिया हमने इसका राइमिंग स्कीम देख लिया स्ट्रक्चर देख लिया टोन भी देख लिया एंड वी फाउंड सम एक्स्ट्रा अबाउट द राइटर कि उन्होंने किस प्रोसेस के साथ ये पोम लिखा होगा अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसमें उसमें आर वी गोइंग टू डू हम इस चैप्टर के इस पोम के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करने वाले विद मी थैंक यू फॉर बींग एक्सप्लेनेशन डेन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच बाय बाय